Good morning, this is me, Dikshit sir from Birsa Lightroom. I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention toward this area of the circles. That is the 12th exercise 12.3, and I'm going to prepare this 9th video. And this books I read, that is called the Arhant book. So all the students pay attention please, and I'm going to start in just a third question. In which I tell you, एक वर्गाकार पात्र, मैंने पहले बता चुका था कि मैं आयताकार वर्गाकार वृत्त त्रिज्यखंड त्रिज्या द्वारा काटा गया था त्रिज्यखंड वृत्तखंड वृत्त के द्वारा काटा गया वृत्तखंड वृत्तखंड इन सब चीज के बारे में आपको सूत्र बता रहा हूँ। वर्गाकार पार्क है भाई, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आपको हल क्या करना है दिया है, दिया क्या है वर्गाकार पार्क की भुजा 100 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा के लिए ए के रूप में डिमोटेट करते हैं, ठीक है। कोने से फूलों की क्यारी जो कि 14 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश, कोने से अगर चतुर्थांश काटे जाएंगे तो वो चतुर्थांश कैसे होंगे, चतुर्थांश कैसे होंगे वो आपके होंगे, कोने से जो कटेंगे वो कटेंगे आपके चार हिस्से, आपको ज्ञात होगा, तो 1/4 होंगे, मतलब जो पाई आर स्क्वायर माने वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है जब वो कोने से कटता तो ये बटे चार होगा, अभी हमें बताएंगे, ठीक। पहले चतुर्थांश रूप में काटा जाता है जैसा कि नीचे आकृति में दिखाया गया। अगर आपको आकृति नहीं दिखाई जाती तो इसमें इतना पर्याप्त दिया है कि आप आकृति बना सकते, आइए इसी हिसाब से बना के देखते हैं। आइए जैसे सपोज दैट मैं वृत्त की बात कर रहा हूँ, ये बल बन गया, बल माने चारों भुजाएं बराबर होती है, मैंने बताया था जब भी इसका नामांकन करते हैं हम लोग एक हिसाब से करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब इस तरह से नामांकन करते हैं इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक माने घड़ी के अनुसार याद है क्या, और अगर उल्टा करते तो क्या लाता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक माने घड़ी के विपरीत। एक वर्गाकार पार्क यहाँ हो गया, अगर प्रत्येक भुजा 100 मीटर, यहाँ कितना कहलाएगा 100 मीटर, माने दिस इज कॉल्ड द ए, इसको हम लोग ए कहते हैं, पता है आपको, भुजा कहलाएगी ए और ए को हम कहते हैं 100 मीटर। वर्गाकार की विशेषता क्या होती है, चारों जगह चारों कोण जो बनते हैं वो 90° के कोण बनते हैं, चारों जो कोण बनेंगे वह 90° के कोण बनेंगे, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होगी कि चारों भुजाएं आपस में कैसी होती, बराबर होती है, वर्गाकार की विशेषता। तो यहां तक मैंने समझा दिया था कि पार्क के प्रत्येक कोने, कोने कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट जहां पर दोनों भुजाएं मिलती हैं, मिलना प्रतिच्छेद करना माने देखिए जे चीज कहलाती मिलना और जे चीज होना प्रतिच्छेद, दोनों में अंतर है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो उस शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रतिच्छेद, लेकिन जब एक बिंदु पर जाकर के कोई दो रेखाएं आपस में जाकर मिल जाती है उसे कहते हैं मिलना। तो बात क्या आई कि प्रत्येक कोने, कोने माने फूलों की क्यारी जो कि 14 मीटर त्रिज्या वाली चतुर्थांश, तो यहाँ से चतुर्थांश क्या बनाया जाए, चतुर्थांश कहलाते क्या है, यहाँ से 14 मीटर बने, 14 मीटर का कुछ ऐसा बन गया, याद है 14 मीटर का ऐसा बन गया, इसी प्रताप प्रत्येक कोने 14 मीटर का ऐसा बनेगा, 14 का ऐसा बनेगा, 14 ये चूंकि पूरा व्रत ही होता है, अगर हम बात करें तो देखिए ये व्रत बन के तैयार, ये एक्चुअल पूरा व्रत है, पूरा व्रत होता है, लेकिन व्रत का कितना हिस्सा होगा, अगर हम व्रत को बांट दें तो व्रत के चार हिस्से आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो हमेशा कोने में चतुर्थांश ही बनता है चौथा हिस्सा। और हम कह रहे हैं कि अगर किसी भुजा का व्यास मान के बनाया जाता तो व्यास मान के बनेगा तो ये बनेगा अर्धवृत्त, मैं पहले बता चुका हूं माने वृत्त का चौथा। तो बात क्या आई, आपके कितने हैं चार, समझ बात आई, यहां तक हो गई थी गुणों की क्यारी जो कि 14 मीटर, बात कितनी आई यहां, इसको हम कहते हैं 14 मीटर, इसको A2 के रूप में या R के रूप में माने वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कहलाती R, R कितनी है आपकी 14 मीटर, याद आ गया करेंगे 14 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश के रूप में काटा जा रहा है। तो जैसा कि नीचे आकृति में बताया गया, आकृति चूंकि हमने बना ली, अगर उसने नहीं दी होती तो हम बना लेते, बना के तैयार कर दी आपके साथ पार्क का शेष भाग का क्षेत्र, शेष भाग क्या होगा, इस भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग जो आपको, तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, वर्ग के किसी भी हिस्से से, अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक वर्गाकार कागज दिखाई दे रहा है, अब मैं एक बात करता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा मैं चारों इस वर्गाकार जो आपको कागज दिखाई दे रहा है, इस पूरा वर्गाकार है चारों हिसाब से वर्गाकार है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इस तरह से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अब आपको दिख रहा होगा एक चीज हमने बना लिया, क्योंकि मैं यहाँ से एक व्रत को निकालना चाहता हूँ,
कि मैं व्रत को निकाला, चारों कोणों से चतुर्थांश वाले व्रत को हटाना चाहता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैंने हटा दिया, इन चतुर्थांश के हिस्से को निकाल के मैंने बाहर कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, आइए आपको दिख रहा है, एक चतुर्थांश जी बाहर हो गया, एक चतुर्थांश जी बाहर हो गया, एक चतुर्थांश जी बाहर हो गया। आपको यहाँ बोर्ड पर साफ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है पूरा हमारा एक वर्ग था, क्योंकि इसके नाम बराबर नहीं है इसलिए आप टेंशन मत करें। अगर इसको हम चाहें तो इसको हम एक मार्ग भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो मार्ग भी कर सकते हैं। मार्ग कैसे कर सकते हैं, ये चीज ऐसी होगी, यहाँ से ऐसी कुछ आ गई, ये यहाँ से ऐसे आ गई, यहाँ से ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ये कुछ ऐसा बच जाएगा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बच जाएगा, देख रहे हैं कि हमने इसी को बताया। तो जिस चीज को दोबारा फिर हम फिटेड करेंगे, तो फिटेड करके मैंने देखा बताया कि किसी भी हमारा वर्गाकार जो कागज था उसके चार कोने से 14 सेंटीमीटर, इसकी 100 थी, यहां से यहां तक अगर हम बात करेंगे तो कोई भी भुजा, मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं 100 मीटर की, लेकिन ये जो हमने मानी ये जो त्रिज्या आएगी यहां से यहां तक की, जे आपकी जो त्रिज्या यहाँ पर दिखाई दी 14 मीटर, तो 14 मीटर के चार चतुर्थांश को अलग कर दिया। तो आप क्या कहेंगे कि शेष बचे हुए इस कागज का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पूरे वर्गाकार कागज में से हमने आपके चार चतुर्थांश, एक दो तीन चार, चार चतुर्थांश के वृत्त जो थे उन्हें हमने अलग कर दिया। तो सूत्र क्या बन के तैयार हुआ, आपका सवाल क्या कहा, पार के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये सूत्र आएगा पार्क के, मैंने कहा तो 2 लाख में लिख देंगे, 3 लाख होगी शेष भाग का क्षेत्रफल। मैंने बताया था जब भी कोई सवाल बढ़े तो उसके लिए क्या करते हैं, आप लोग 2 लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल में से चार चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा दो, जबकि चार चतुर्थांश का पूरा वृत्त ही कह रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ग का यहां लिख देंगे क्षेत्रफल, 2 लाइन लेके चल रहे हैं, माइनस चार चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या आएगा, वृत्त के चतुर्थांश, 14 मीटर वृत्त बाद वृत्त, चतुर्थांश क्या आएगा, वृत्त चतुर्थांश, इसको हम लोग चतुर्थांश लिखेंगे, कौन से चतुर्थांश, वृत्त चतुर्थांश, का क्षेत्रफल। अब पहली बार तो हम लिखेंगे इबारत, इबारत को, इबारत सवाल जब दी जाती है तो इबारत को सबसे पहले हम इबारत में लिखते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं, क्योंकि इसको निकालना है। वर्ग का सूत्र क्या होता है, माइडियर स्टूडेंट, भुजा गुणे भुजा या भुजा की 2 भाग, 4 गुणे वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। देखिए चतुर्थांश में आपको 4 का भाग देना पड़ेगा, अर्धवृत्त में 2 का भाग देना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बताया। अब आप क्या करेंगे, भुजा कितनी थी 100 मीटर, अब आप मान रखिए 4 से 4 कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए पाई का मान क्या रखा जा सकता है, पाई का मान डिसाइड, सुन लो बहुत बारीकी से सुनना है, आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू कितनी है 14 मीटर, क्या 14 में 7 का भाग जा रहा है, 14 में अगर 7 का भाग जा रहा है, सुन लीजिए बच्चे हमारे काफी डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते सर मुझे ये पता नहीं चलता है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है या 3.14 रखनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपको पाई की वैल्यू में 22/7 होगा, 7 का भाग आर में जा रहा है, 7 का भाग आर में जा रहा है, आर यहाँ पे 14, तब पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कितना रखेंगे, 3.144 तक, तो 2 अंक लिखते हैं 3.14 या 314/100, ये वैल्यू है, जो वैल्यू होती है, क्योंकि 1 अंक हटाएंगे तो नीचे कितने शून्य आ जाएंगे, 2 अंक 5 दशमलव लगा, 2 अंक 5 दशमलव दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो 2 अंक वाली संख्या जाएगी, तो 314/100 आप रख सकते हैं, कि पहले 314 3.14 लिख दीजिए। अगली लाइन में क्योंकि मैंने एक चीज बता रखी, क्या बता रखी, संयुक्त भिन्न को कभी भी सवाल में नहीं रखा, संयुक्त भिन्न जानते हैं आप, 3 सही 1/4 2, इसको कभी भी नहीं रखा जाएगा, और दशमलव वाले मान को रखे तो, लेकिन इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनको आप सीधे तुरंत 314/100 कर दो, एक लाइन में रख के दूसरे लाइन में आप बदल दो, हमने बताया दशमलव को नहीं बदला जाएगा और दूसरा
इन दोनों मानों को किसी भी स्थिति में आपको रखा नहीं जाए। तो हमें पाई का मान क्या रखना है इसमें 3.14 क्या रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि 7 का भाग 14 में जा रहा है। जब 7 का भाग इसमें 8 में जाएगा तो मान रखा जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर माने 14 का 2 बार 7 से 7 काटेंगे 10 आरंभ करेंगे तो आपके 400 बन जाएंगे भाई, 100 गुणे 100 तो 1 × 1=2 × 4। अब आपको क्या करना है, 22 × 44 × 14 अब आप कर लीजिए, ये आपका 10,000 कर रहा है, 14 × 56 = 56 चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं आई, 14 × 56 = 6 × 5 = 56 56 + 5 = 61 अब आपको घटाना है तो शून्य में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 हासिल आया 1 × 1 = 2 एम आई राइट, 10 में से अब यहां पे रिमार्क कर सकते हैं 10 में से 2 गया कितना बचा 8 हासिल आया आपकी 6 से 7 10 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 3 अब यहां हो गया था भाई, अब आप हासिल आया कि आपका 300 आ गया कि नहीं, अब यहां पे कितना कटेगा 1 आ जाएगा तो कटेगा 9384 वर्ग मीटर आपका। शायद सवाल का उत्तर आप चुका हो कि इस सवाल का उत्तर जो आता चुका है 9384 वर्ग मीटर हमारे इस जो मैंने अभी आकृति आपके सामने बनाई थी, इस आकृति का जो क्षेत्रफल तो पूरा था 10,000 लेकिन 10,000 में से चारों कोनों को हटाने पर हमें 9384 वर्ग मीटर, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखा कैसे जाएगा, प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा अतः पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल 9384 वर्ग मीटर होगा और उसके नीचे आप एक रिमार्क लगा दी अंडरलाइन जिसे कहते हैं अंडरलाइन, ताकि वो टीचर को अलग से विजिबिलिटी दिखाई दे और थोड़ा सा इसको एक बार ब्रैकेट में लास्ट में डाल दिया करो ताकि टीचर का नजर इस पर जरूर चला जाए। ठीक है आप नोट कर लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। दी गई आकृति में, आकृति दी गई थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, बिना आकृति समझ में भी नहीं आएगा। ए बी सी डी भुजा, ए बी सी डी देखिए मैं आपको बताऊँ, ए से बी गया, ऐसे बी से सी डी, ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई चीज उल्टी घूमती तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला बना, मतलब हम कह दें ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, ए से डी की दूरी, ये सभी दूरी आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। इन सबको बेटा हम एक चीज और भी कह सकते हैं, इन सबको ए कहा जाता, भुजा माना जाता, भुजा को ए कहा जाता, तो इसकी दूरी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। स्पष्ट नहीं, यहां तक हो गया बाला बल गया, सबके समझ में आ गई एक लाइन पूरी ऊपर की समझ में आ गई। मैंने कहा जब भी इबारती क्वेश्चन होते तो इबारती क्वेश्चन का एक एक शब्द पर ध्यान रखना पड़ता। यहां तक ए बी सी डी के चारों बराबर बराबर वृत्त होंगे, अगर वृत्त बराबर हैं तो उनकी क्या बराबर होती है, वृत्त में एक चीज होती है बनाने के लिए त्रिज्या का प्रयोग किया जाए, वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर। नोटिस कर लीजिए, यदि वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। एम आई राइट, त्रिज्या कितनी है, आइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा कभी 7 सेंटीमीटर। यहां पे 2 त्रिज्याएं, एक आर जी है और एक आर जी, एम आई राइट, आप इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, सी डी को समझना चाहते हैं, सी डी बराबर है 7 सेंटीमीटर। जे मान क्या है, एक यहां से यहां तक की इसकी आर है और यहां से यहां तक की इसकी आर है। अगर दोनों वृत्त अलग अलग होते तो एक को आर वन दूसरे को आर टू के, समझ लीजिए भाई, जब वृत्त बराबर होंगे तो दोनों ही त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर आर प्लस आर, वैसे तो मौके निकाल सकते हैं भैया आधा आधा है तो आधा कर लो 3.5, तो इसको ऐसा नहीं, 7 सेंटीमीटर
बराबर टू आर, यहाँ पे दो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है, आप पक्षांतर कर दो सात बटे, दशमलव में नहीं निकालना है, मैं पहले बता चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट, समझ बात आ गई, मौखिक समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 7 सेंटीमीटर, चूंकि उसमें दो त्रिज्या बराबर बराबर हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में आधा हिस्सा कहलाएगा 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर, एम आई राइट, किसी को कहना नो डाउट, समझ लीजिए, इसी प्रकार यहाँ से जे भी तो बराबर होगी, जे बराबर इसके बराबर होगी, जे सब उसी वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो आपस में कैसे होगी बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है साफ क्या लिखा गया है बराबर वृत्तों, वृत्त माने एक, लेकिन वृत्तों यहाँ वृत्त है 1, 2, 3, 4, तो एक वृत्त जो युग्म बाहर रूप से स्पर्श करती है, एक जुड़ा दूसरे से, युग्म माने आपस में जोड़े, जो जोड़े हैं इसका इससे जोड़ा है, इसका इससे जोड़ा है, इसका एक वस्तु का दो से जुड़ा है, एक एक वृत्त का दो से जुड़ा है, ये आपस में बाह्यता रूप से स्पर्श करते हैं, मैंने बताया था अगर बाह्यता रूप से अगर दो वृत्त स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, वो अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों बीच की दूरी उनके अंतर के बराबर होती है, मैं पहले आपको समझा चुका हूं, तो यहां पे आए कि यहां से अंतर 7 सेंटीमीटर था, तो यहां पे आधा मुझे चाहिए और जितनी बराबर होगी जितनी गहराई 7/2, तो अब आप बताइए कि मुझे आपको इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या होगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से हम 4/4 के क्षेत्रफल को घटा देंगे, उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले किया, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने उसको कहा चूंकि इसमें हिस्सा बहुत कम आया, जे आपका वर्ग बन गया, जे बीच का वर्ग, आपको समझ लीजिए इस वर्ग में से अब चूंकि चतुर्थांश को ज्यादा घटना है क्योंकि यहाँ पे बड़े हैं, तो आपको उसको ज्यादा घटाना पड़ेगा, तो ज्यादा घटा के लाना पड़ेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अब हिस्सा जो बचेगा आपका बहुत ही छोटा हिस्सा, देखिए मैंने बताया बहुत ही छोटा हिस्सा या फिर बिल्कुल जीरो बच जाए, जीरो बचाना है तो आप जीरो भी बचा सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज की बात मान आपका जीरो आ रहा है, क्योंकि मान क्या सा आ रहा है बहुत जीरो, जीरो माने बिल्कुल शून्य, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल जीरो ले जाना पड़ेगा, जीरो माने कि कोई चीज कोने बिल्कुल चले गए, इसलिए ये चीज कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया, देखिए ऐसे स्टार टाइप का बन गया, स्टार टाइप का बन के तैयार हो गया, यहाँ पे जीरो, वही चित्र जो मैं आपको बता रहा था कि आराम से घट के तैयार हो जाएगा, तो इसके सूत्र कैसे बनेंगे, सूत्र बनेगा वर्ग का क्षेत्र, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, अब ये जो वृत्त बने हैं वो चारों कोनों पे बने हैं, समझ रहे आप, घुमा दिए उसने, उसने अंदर नहीं बना, उसने बाहर बना दिए, जो मैंने एक चित्र बना के उतारा, तो माइनस मतलब आपका सॉरी इसको हमें चुकी निकालना था, सवाल क्या लिखना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मुझे इस प्रश्न का जे निकालना, तो लिखना क्या पड़ेगा छायांकित भाग का, यहां लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल स्पष्ट करते जाएं और हर कॉपी में अपना सिर जरूर हिलाते जाएं कि यस नो ताकि स्पष्ट होता रहे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में चार हिस्से हैं चतुर्थांश, चार चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्र, माइनस चार चतुर्थांश कहेगा वृत्त का क्षेत्र, भाई आप वैसे तो पूरा चतुर्थांश कहलाएगा बराबर वृत्त, तो एक ही वृत्त कहलाएगा, आप इसको पूरा एक ही वृत्त मान के चलिए, आप एक बार जाने इस वृत्त को अगर आप बीच में भी बना देंगे तो इसका जो बाहर का क्षेत्र, अगर मान लो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ यहाँ देखिए मिलता और मैंने इसको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके 7/2 का बीच में वृत्त बना दिया 7/2 ले, तो इस पूरे वृत्त को बनाने के बाद जो क्षेत्रफल बचेगा उसकी वैल्यू और इस बीच वाले की वैल्यू बराबर ही आएगी, ये बात जानिए क्यों, क्योंकि इसमें चार चतुर्थांश कोने से घट रहे हैं तो ये पूरा बीच में घट गया, तो मान तो दोनों के बराबर आएंगे, क्षेत्रफल एरिया दोनों का ही बराबर आया, लेकिन काम करने का तरीका अलग है, अब आपका आएगा सूत्र लगाएंगे वर्ग का होता क्षेत्रफल भुजा की दो घाते माइनस चार वर्ग चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे चार, चतुर्थांश को चार लिखते हैं अर्धवृत्त को बटे दो लिखते हैं, मैं पहले बता चुका, चार से चार विभाजित हो जाता है, भुजा कितनी थी, भुजा आपकी कितनी थी, आपकी 7 सेंटीमीटर, में क्या रखा गया भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 की 2 माइनस
आपका पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, लेकिन चेक करें 7 का भाग है, आर की वैल्यू कितनी रखी 7/2। जी हाँ, 7 से कटने वाली संख्या होगी तो वैल्यू रखी जाएगी 7, अगर नहीं होगी तो नहीं रखी जाएगी। तो लिखा जाएगा पाई माइनस 22/7, आर स्क्वायर माइनस 7/2 का 2r, इसको कह सकते हैं आप 2r भी कर सकते हैं, आर स्क्वायर कर दिया, आर आर की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। अब एक और बात बताएंगे तो आप लिखे 7 × 7 = 49 माइनस 22/7 गुणे 7/2 × 7/2। अब आप 7 से 7 कट जाएगा, 200 कट जाएगा 11। अब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 49 आ गया। अब यहाँ 11 बचा तो 11/7 = 77/2। देखिए फिर समझिए, 7 × 7 = 49 आपका आ गया, यहाँ 200 काटा तो आपका 11 आ गया, 1/7 से 7 कट गया तो कितना बचा 7/2 और गुणा तो 11/7 = 77/2। अब आप यहाँ पर भाग दे दीजिए 49। अगर आप चाहें तो सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं और भाग विधि से कर सकते हैं। मैंने कहा सवाल को तीन तरीके से किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसको एक मान करके, आपने देखा अगर हर समान नहीं है तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। इसके लिए रूल क्या होता है, पहले पद का दूसरे में गुणा, दूसरे पद का पहले में, नीचे दोनों का 7 का गुणा करेंगे कैसे आएगा, 9 × 18 = 8, 1 × 4 = 8। क्योंकि आप आंसर नहीं पता था, आपने कहा सब दशमलव आ रहा, हम दशमलव रख देंगे, आंसर आपने देख रखा तो दशमलव आ रहा, लेकिन बोर्ड में करेंगे तो आपको क्या पता क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको हल करना है, अभी एक हेस्टर हल आ गई तो 9 × 18 = 4 × 8। एक बार आगे बढ़े फिर चेक करें, फिर आगे बढ़े फिर चेक करें, क्योंकि गलती हो जाती है तो ये लाइन काट के आप पुनः उसको लिख सकते हैं। एक का गुणा 77 में करेंगे तो 77 आ जाएगा, बटे हमारा आ जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे 9 में से 7 गया कितना बचा, कोई डाउट बताइए भाई, सॉरी 8 में से 7 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया आपका 2 बचा। जोड़ना हो तो 7 × 8 + 7 = 2 बटे, अगर अंश एक आंसर आ गया, ये आपका आ गया वर्ग, यहां क्या था आपका सेंटीमीटर पहला आंसर। मैंने कहा था तीनों आंसर अथवा आप लिखेंगे, अगर अंश का मान हर के मान से ज्यादा है तो इसे सही बटे में लिखा जाएगा। 2 का भाग देंगे 2 × 1 = 2, भागनाष्टम बचा कितना 1/2, या ऐसा भाग दो 2 का भाग 21 में दिया तो 2 × 1 = 2 हम उतार 1 का भाग न जाए तो भागनाष्टम बन दी, अब आ जाएगा 10 × 2 = 5, मतलब चूंकि आप आपको एक ही कहना एक ही कहना है तो ऐसे 10 बार चला जाए 10 × 20 = 20, आप ऐसे कर लो 20 कर लो बचाए तो 10 सही 1/2। अथवा एक बार और कर लेंगे, अथवा क्या रहेगा, अब आपको 2 का भाग देना है तो 2 का भाग देंगे आप कितने बार जाएगा 10 बार, अब बचा 1 × 0 = 2 × 5 = 10 = 12। आपके 3 आंसर आ गए। अगर आप चाहें टीचर को लगता है कि नहीं उत्तर ये वाला ठीक था तो वो यहाँ पे मार्क दे देगा, किसी को लगता नहीं मुझे तो ये वाला उत्तर चाहिए था तो जी नंबर कर दे देगा, किसी को लगता नहीं सर दशमलव वाला चाहिए था, तीनों ही उत्तर। तो आप जब भी सवाल का उत्तर आता है सबसे बड़ी इस भिन्न को कहते हैं परिमेय संख्या या विषम भिन्न, भिन्न में कहते हैं विषम भिन्न, नोटिस कर लीजिए कौन सी भिन्न कहलाती है, विषम भिन्न या परिमेय संख्या कहलाती है। इसे विषम भिन्न में जब कोई संख्या जुड़ जाती है सही, अगर हम कहते हैं कि मेरे पिताजी ने 10 सही 2 आम दिए, इसका मतलब क्या कहलाया, 10 तो हमें पूरे आम दिए, 1 आम के 2 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा हमें दिया, इसका मतलब ये कहलाया, और 10.5 माने क्या है 10 पूरे आधा है, तो आपके 3 आंसर हो जाते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 21/2 अथवा 10 सही 1/2 अथवा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और 3 के नीचे आप एक क्या नीचे लाइन खींच दें ताकि वो स्पष्ट हो सके। अब आप उसको नोट करना, देखिए माय डियर स्टूडेंट सवाल 5वां है, थोड़ा सा चित्र देख करके तो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया होगा मैं महसूस कर रहा हूँ। आइए हम बात दी गई आकृति में व्यास ए बी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले नोटिस कर लूँ क्या है, ए बी और पी और पी और ए बी पी और पी है, ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो जब ए बी की लंबाई की बात करते हैं और जो व्यास है, व्यास कहा गया है इसको, तो व्यास आप कहते हैं डी और डी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया है, बिंदु पी और क्यू
पी और क्यू पर ए बी को समत्रिभाजक माने ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, ये वाला समत्रिभाजक माने समान, सम माने समान, त्रि माने तीन, भागों में विभाजित, तीन बराबर भाग आ जाएंगे समत्रिभाजक। अगर समत्रिभाजित किया जा रहा है तो क्या होगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, और जे क्या होगा त्रिभाजित माने सॉरी 12/3, भाई तीन भागों में विभाजित कर देंगे हमके, कोई भी दूरी है उसको तीन बराबर भाग, तीन फुट है तो दूरी को त्रिभाजित करो तो एक एक फुट क्या लाए, छः फुट है तो दो दो फुट क्या लाए, दो दिया छः, चार फुट नौ फुट है तो तीन तरह नौ क्या लाए, बारह है तो चार चार, मौके में बात कर सकता हूँ, या फिर मैं कह दूँ आपको कि छः फुट है तो डेढ़ दिया, डेढ़ साढ़े चार फुट है तो डेढ़ दिया साढ़े चार, तो आपको पता है कि तीनों भुजाओं की दूरी जो है वो बराबर। एम आई डेट अब आपकी आकृति में डिजाइन का डिजाइन कुछ इस तरह का, इसका क्षेत्रफल करना, तो इसके क्षेत्रफल के लिए मुझे दो क्षेत्रफल चाहिए, मैं इसके लिए चित्र को समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक व्यास है आपको पता है, इस व्यास को मैंने व्यास हिस्से मतलब नहीं, हमने तीन हिस्सा बांट दिए, ये तीन हिस्से आ गए, आगे तीन हिस्सा इसको यहाँ से किया इतना हिस्सा, इसको यहाँ से किया हमने इतना हिस्सा, पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से की हम अगर बात करते हैं, समझाने की मैं बात करता हूँ आपको, तो दूसरा हिस्सा तीन हिस्सा इसके भी होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, मतलब इस हिस्से का क्षेत्रफल मुझे चाहिए है और यहाँ पर मुझे इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। अगर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाए, दोनों हिस्से मतलब क्या कहलाए, ए पी और क्यू पहला वाला हिस्सा, इसको अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें तो इसको पहला वाला हिस्सा कह सकते हैं, इसको हम अगर चाहें तो आपको यहाँ से यहाँ इस वाले से यहाँ सकता, इसको हम कह सकते हैं आपको दूसरा वाला हिस्सा कह सकते हैं, यहाँ पे हम पहला हिस्सा इसको कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं दूसरा हिस्सा, कैसे आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस उत्तर मिल गया आपको, आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, मुझे बता पाएंगे यहां तक दूरी क्या होगी, मतलब अगर यहां की दूरी अगर आएगी 4 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी 8 सेंटीमीटर, अगर यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी तो यहां से यहां तक की दूरी होगी 8 सेंटीमीटर, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित माने तीन का भाग देंगे 12, तीन चौक 12, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक दो तीन खंड। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से बता चुका हूं कि एक पूरी आकृति है, बहुत बारीक से समझिएगा, बहुत बारीक से मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कैसे आ जाए कि एक आकृति में व्यास ए बी है, व्यास माने वह केंद्र से गुजरता है, केंद्र कहां होगा माने यहां है तो यहां कुछ होना चाहिए, माने इस 4 से बाद में और 8 के बीच में यहां कुछ केंद्र होगा, ओ ए बात समझ में, यहां से यहां तक की दूरी ए बी कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, समत्रिभाजित किया गया तो 4 किया 12 4 4 4 एम आई राइट। अब यहां पे एक आकृति ऊपर वाली है पहली वाली आकृति, दूसरी आकृति नीचे वाली, तो कैसे निकलेगा आप जान लीजिए, यहां से यहां तक का क्या है अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है माय डियर स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर, इसमें से 4 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का आप हटा दें, आपकी आकृति पहली निकल आए, आ गया समझो, फिर समझो, फिर समझो क्या था आपकी 8 सेंटीमीटर थी, सुनो आपकी 8 सेंटीमीटर थी, समझ लीजिए बात को, 8 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त था, 8 सेंटीमीटर वाला, देखिए यहां से क्या था, हमने एक अर्धवृत्त बनाया, इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहां है 4, यहां से यहां था बस 4 सेंटीमीटर वाले था जी, आकृति जी आकृति थे आप हटा देखें, आ गया यहां से हटा देना थोड़ी देर, ये डिजाइन तो आपकी आ गई, कैसे आ गई कि 8 सेंटीमीटर के व्यास वाले में से 4 सेंटीमीटर के हिस्से को आप हटा दें, हटा दें 4 सेंटीमीटर व्यास वाला जो वृत्त है, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त में से 4 सेंटीमीटर वृत्त वाला व्यास वाला जो हिस्सा है उसको आप हटा दें यानी घटा दें तो आपको एक डिजाइन मिल जाए। अब बताइए कहाँ डाल इसमें, देखो आप यही तो किया मैंने, क्या है इसको आप हटा दें,
आपको पता था यहां से यहां तक कितना था? आठ था या नहीं था? था कि नहीं? यहां से यहां तक हमने 8 सेंटीमीटर का कैसा है अर्धवृत्त है वृत्त या नहीं है? हाँ या नहीं? हाँ कहीं एम आई राइट? अब हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त को हमने हटा दिया। इसमें क्या किया मैंने, यहां से यहां तक 8 था क्योंकि एक हिस्सा 4 दूसरा हिस्सा 4 तो 4 4 8 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त बना हुआ। इसमें मैंने 4 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त बना दिया। अब इन दोनों आकृति को जब हम जोड़ देंगे तो बन करके बेटा हमारी ये बात तैयार हो जाएगी। तो मैं क्या हूं, कैसे निकालना है? आई बहुत सिंपल चीज थी, आप लोग बस डाउट थे, डाउटनेस को हमने क्लियर करना। चित्र का ध्यान रखिएगा, पहले दूसरे को मैंने उसको पहला कहा था, तो पहले का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल या पहले का पहले को अगर आप चाहें तो आप मान सकते हैं पहला पृष्ठ ले सकते हैं ए, और यहाँ पे आपका शायद पी है सर, और यहाँ क्यू है, ए पी क्यू, ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा कैसे निकालने का, माने ए क्यू, ए क्यू व्यास वाले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ए पी, ए पी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा था ए क्यू व्यास वाले अर्धवृत्त, तो मैंने बताया ए से लेकर के यहां से मैं लेके गया यहां तक क्या है ए क्यू, एम आई राइट? इस चीज को मैं बता रहा हूं, पहले इस चीज को ऑब्जर्व करो, ए से लेके क्यू वाला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की क्या है आधा वृत्त को कहलाएगा आपका, आपको याद है पाई आर स्क्वायर बटे दो, इसको आर वन मान लीजिए, दूसरे वाले को मान लीजिए पाई आर टू स्क्वायर बटे दो। जब दोनों त्रिज्याएं अलग अलग आ जाती हैं तो एक को आर वन दूसरे को आर टू, या एक को कैपिटल आर, बताया था मैं बड़ी वाली जो त्रिज्या होगी उसको कैपिटल आर स्क्वायर और छोटी वाली होगी इसको स्मॉल आर। अब आपको पता है जी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4 4 8 4 3 12, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8, तो त्रिज्या कितनी होगी 4, बस हम सीधा कर रहे हो ठीक। अगर आप चाहें आपको लग रहा है डी बराबर कैपिटल डी, अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी वैल्यू को आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रख सकते हैं, आर बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तब सॉरी डी बराबर, तब आर बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। अगर मान ना निकाल पाए तो बड़ा पोस्टर लगाती, लेकिन थोड़ा सा आपने गलती की है, मैंने गलती कर दी, मैं थोड़ा सा और अंदर आना चाहिए, लगभग आधे से अधिक अंदर आ जाए, आधे से अधिक अंदर आएगी, डी बराबर होगा 8 सेंटीमीटर, तब कैपिटल आर बराबर होगा 4 सेंटीमीटर डी। अब दूसरा ये तो चीज इसकी आ गई, एम आई राइट? अब इसको कहेंगे स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है आपका यहां से यहां तक वाई डायरेक्शन कितना है 4 सेंटीमीटर, तो डी बराबर होगा 4 सेंटीमीटर, तब इसकी स्मॉल आर कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप होता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब आप रख सकते हैं पाई की वैल्यू रख लीजिए, बाद में रख लेंगे, पहले पाई को छोड़ दीजिए, आर को सॉल्व करना है, आर कितनी थी माय डियर स्टूडेंट यहाँ थी 4, तो 4 स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर कितना था आपको या फिर कितना था आर स्क्वायर यहाँ थी आप 2 2 3 2 घात बटे 2, आगे सॉल्व करेंगे पाई आप कॉमन निकाल दीजिए छोड़ दीजिए, अभी 4 × 4 / 2 माइनस पाई 2 × 2 / 2 आप काट देंगे, 2 × 2 = 4 4 × 8 पाई माइनस 2 पाई कितना आ जाएगा 2 से 2 कट गया, चेक कर लिया गया चर्चों के 16 2 गए 18 सही है, 2 × 2 = 4 2 काट दिया 2 8 पाई में से 2 पाई गया कितने बचे 6 पाई, बाद में हमें पढ़ेंगे वर्ग वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप इस चीज को कहें यही चीज दोगुनी, इसमें नीचे भी कोई चीज है, नीचे कोई चीज ही नहीं भाई, नीचे भी क्या है यहां से यहां तक 8 है, कोई तो नीचे आ रहे तो आप दोगुना, मतलब जेड डिजाइन आपकी दोगुनी बनी, वही ऊपर है वही नीचे है तो कोई बड़ी बात नहीं, तब
हम कह सकते हैं तब दो दो माने कौन से BPQ इज इक्वल टू बराबर की स्थिति क्या लाएगी बेटा छह पाई कुल बराबर छह पाई मैंने कुल कितनी क्या लाएगी एक धन दो बराबर आप लिख सकते हैं एक बराबर आपकी इसका नाम लिख सकते हैं आप एक का मान APQ और दो मान सकते हैं BPQ इसको छह पाई प्लस छह पाई कुल कितना हो गया 12 पाई अब 12 पाई का आपको पता है मान क्या होता है तो आप लिख सकते हैं 12 × 22/7 या फिर आप कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है 12 × 3.14 इसका गुणा कर दीजिए आपको उत्तर आ जाएगा 12 × 36 37 के आसपास आंसर आ जाएगा उत्तर 12 × 36 हो गया यहाँ करेंगे दशमलव में तो 37 हमें जो पता है इसका आंसर है लगभग 37.6 आप कर लीजिए बच्चों 48 की 8 आंसर 4 12 × 12 = 13 × 14 = 15 तो कोई बड़ा सवाल नहीं था आपको जो लगा कि भाई हुआ है या क्या चीज है कुछ नहीं था यहां से यहां तक जो व्यास था जो अर्धवृत्त था इसमें से छोटा वाला अर्धवृत्त हटा दिया गया घट करके जे वाला निकालाया यही सेम डिजाइन नीचे की ओर बनी है तो वही जो चीज थी आप चाहे दोबारा भी घुमरा सकते हैं या फिर आप लिखते हैं यही डिजाइन नीचे की ओर यहाँ लिख सकते यही डिजाइन नीचे की ओर बनी है तब आप लिख सकते दो का भी छेद पर वही छह पाई होगा छह पाई और छह पाई कहलाएगा 12 पाई पाई का मान चाहे थे 22/7 रख के अथवा इसमें रख सकते थे अथवा करके आप दशमलव में रख सकते थे आंसर चूंकि दशमलव में फाइनली उन्होंने पूछा है दिया भी है तो पाई का मान होता है 3.14 में 12 गुणा करेंगे तो 36.68 की बन जाएगी एम आई राइट आप नोट इट कर लें हेलो माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इस समय लॉकडाउन के समय में स्थितियां विशेष हैं आप लोग अपनी टीचिंग को बहुत बादस्तूर बनाते रहिए और एक ही बिंदु इस समय ये टिपिकल चीज़ चल रही है तो आप बहुत बारीक से नोटिस करिएगा और बेहतर ढंग से अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिएगा और फिर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच